स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं आपके साथ नाजनीन खान। कभी निर्भया, कभी कठुआ और अब मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में करीब 8 साल की बच्ची का रेप का शिकार हुई। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को रेप के बाद बड़े ही बेदर्दी से गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की गई। बच्ची को मरा हुआ समझ के आरोपी तो भाग गए, लेकिन बच्ची बच गई और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आखिर क्या कसूर था उस मासूम का? करीब 8 साल की बच्ची के रेप पर जुल्म के बाद मंदसौर सन्न है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या मंदसौर में इंसानियत मर चुकी है? मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर आग की आक्रोश में जल रहा है। पूरा शहर सड़कों पे उतर आया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो सिर्फ जंगलों में होता है। एक बार फिर दरिंदगी की घटना सामने आई है। सरस्वती शिशु मंदिर की करीब 8 साल की बच्ची को बहला फुसला कर मदारपुरा निवासी आरोपी इरफान बच्ची को मिठाई खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। आरोपी इरफान जंगल में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर चाकू से गला रेत दी, जिसे बच्ची बेहोश हो गई। आरोपी ने समझा कि बच्ची मर चुकी है और वो वहां से फरार हो गया। पिता की पुलिस में शिकायत के बाद पुलिस बच्ची को ढूंढ रही थी, तभी पुलिस को जंगल में बच्ची मिली और बच्ची की हालत को देखकर डॉक्टर भी कांप उठे। इस घटना ने दिल्ली की निर्भया कांड की याद दिला दी। आखिर बच्ची स्कूल से यहाँ कैसे पहुँची? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने रास्ते के सभी सीसीटीवी खंगालने में जुटी है। सीसीटीवी की फुटेज देखने के बाद आरोपी पीछे कंधे पर स्कूल बैग लिए दिखाई दे रहा है। वहीं इस घटना के बाद पूरा मंदसौर शहर सड़क पर उतर आया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी को दरिंदा करार देते हुए कहा कि ये दरिंदे एक धरती पर बोझ है, ये धरती पर जिंदा रहने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि बलात्कार के मामले में हमें प्रदेश में फास्ट ट्रैक अदालत में कार्यवाही के प्रावधान किए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी इस प्रकार के प्रावधान करने के भी अनुरोध किए हैं, ताकि इस तरह के अपराध करने वाले आरोपियों के खिलाफ जल्द ही अदालती कार्रवाई कर उन्हें फांसी की सजा दी जा सके। साथ ही एसपी मनोज सिंह ने आरोपी के बारे में कहा कि एक स्कूल की बच्चे ने लड़की का अपहरण करने वाले दूसरे आरोपी को देखा था और सीसीटीवी फुटेज में इरफान नीले रंग के शर्ट में पहने देखा गया है। जांच के दौरान इरफान ने स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्त आसिफ के साथ मिलकर इस हैवानियत को अंजाम दिया। इस मामले में भले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उन्हें फांसी दिलाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आरोपी का क्या होगा, ये तो मामला कोर्ट में है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक मासूमों को इन दरिंदों के भेंट चढ़ना पड़ेगा।